नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो एस्पेरेंट्स, आप सभी के लिए इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ अपडेट्स हैं वेटनरी में एडमिशन के रिगार्डिंग, उसके बारे में अपन बात करेंगे वीडियो में। तीन अपडेट्स यहाँ पर, बड़े अपडेट्स यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक स्टेट कोटा से अपडेट है जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बात करेंगे कंप्लीट उसके डेट्स के बारे में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है, कितनी सीट्स है, फीस कितनी लगती है, सभी पर अपन डिटेल में बात करेंगे। और कुछ छोटे अपडेट्स हमारे पास आए हैं जहाँ पर भी अपन इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, साथ ही चैनल से नहीं जुड़े हुए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे मालूम है काफ़ी सारे स्टूडेंट देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं लगातार आप सभी को वेटनरी के रिगार्डिंग देता आ रहा हूँ, नीट के रिगार्डिंग देता आ रहा हूँ, और यहाँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलेगी एडमिशन के रिगार्डिंग, हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन। साथ ही कट ऑफ पर भी वीडियो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। जितने भी अपडेट्स होते हैं वेटनरी के मैं यहाँ पर आपको देता रहता हूँ, ठीक है। ये वाला वीडियो चेकआउट करना जिसमें आपको पता चल जाएगा किस स्टेट में कौन सा एग्जाम आपको देना होता है, ठीक है। अगर आप नीट से एडमिशन नहीं लेते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं, साथ ही स्टेट वाइज भी मैं अपडेट्स यहाँ पर देता आ रहा हूँ, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक अपडेट्स हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपडेट जो कि आया है हमारे पास मथुरा से, ठीक है। तो दुआसु मथुरा के जो डेट्स थी एग्जामिनेशन की डेट्स, वो ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है, या फिर यूँ कह लें एक्सटेंड कर दिया है ना। तो पहले जो डेट्स थी प्रीवियस डेट उसको रिवाइज कर दिया और नई डेट्स रिलीज की, ये नोटिस आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो दुआसु की जो डेट्स है जो कि चेंज हुई है इस बार, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इज 18 मई। पहले जो ये प्रीवियस डेट थी वो 20 अप्रैल थी, अब इसको बढ़ा करके 18 मई कर दी है। 18 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज UGEE की भी जो डेट थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया है। पहले जो डेट थी, ओल्ड डेट, वो 26 मई थी, अब इसको बढ़ा करके 9 जून कर दिया। 9 जून को अब आपका एग्जामिनेशन होगा, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पोस्ट ग्रेजुएट जो पोस्ट पीजी के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी डेट को भी बढ़ा दिया है, 7 जुलाई कर दिए, 7 जुलाई को होगा। और डिप्लोमा के लिए कोई भी चेंज नहीं किया, डिप्लोमा एग्जामिनेशन इसी डेट को होगा। तो ये अपडेट था दुआसू की तरफ से, इसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के, मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें दुआसू के बारे में कंप्लीट प्रोसेस मैंने समझा दिया, इस वीडियो को चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट आया है वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी दैट इज उत्तराखंड से आया है, पंतनगर से आया है हमारे पास। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी, और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है वेटनरी में। तो इसके जो एडमिशन के रिगार्डिंग हमारे पास नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट इसके बाद अपन बात करते हैं कि डेट्स क्या है, साथ ही आपको कहाँ पर अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, फीस कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस, साथ ही कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो उसका सिलेबस क्या रहता है, साथ ही बात करेंगे फीस का स्ट्रक्चर क्या रहता है यूनिवर्सिटी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड में है यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर इसके एडमिशन के रिगार्डिंग जो वेबसाइट जो आपको विजिट करनी है वो है gbpuat.ac.in, gbpuat.ac.in। इस वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन वाले टैब में जाना है। एडमिशन वाले टैब में जब आप जाएंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो है नोटिस आपको लाइन चलती हुई दिख रही है, एडमिशन नोटिस 24/25 फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। नीचे आप देख सकते हैं द डेट ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड एमसीए शेड्यूल टू 16 जून, ठीक है। इसको डेट को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कंप्लीट इसके बारे में। अपना टारगेट है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम जिसमें बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस आ गया, बीवीएससी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, फिशरी साइंस हो गया, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उसमें आप एडमिशन के रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप एडमिशन ले जाते हैं उसके रिगार्ड उसमें भी आप एडमिशन के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पर आप क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। अपन अपने पास यहाँ पर कंप्लीट लिंक्स दे रखे हैं, एडमिशन नोटिस भी हमारे पास है, ठीक है। अलावा प्रोस्पेक्टस का रिलीज हो चुका है वेबसाइट पे, सीट डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं, डेट्स वगैरह देख लेते हैं क्या डेट्स है। तो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, अपने टेलीग्राम चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पर मैं डाल दूंगा। बिंग डॉक्टर ऑफिशियल है हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग
उसको भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन आपको भरना होगा। जो डेट्स है फॉर अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स एंड एमसीए पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट्स है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट, तो 30 अप्रैल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना लगेगा। तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ देख सकते हैं आप, 1200 रुपीज़ है, ठीक है। फॉर एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट 600 रुपीज़ है फीस। ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो उत्तराखंड के जो डोमिसाइल या फिर यूँ कह लें बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्टेट कोटा सीट एज वेल एज पेमेंट सीट्स, ठीक है। यहाँ पर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो टोटल सीट्स हैं, सीट्स दो तरह से डिवाइड होती है, एक होती है नॉर्मल सीट, ठीक है, दूसरी होती है पेमेंट सीट। तो जितने भी उत्तराखंड के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो नॉर्मल एज वेल एज पेमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो केवल पेमेंट सीट में के लिए अप्लाई कर सकते हैं उत्तराखंड में, नॉर्मल सीट के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे कितनी फीस लगती है पेमेंट सीट में, वो आगे अपन बात करेंगे। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एडमिशन केवल पेमेंट सीट पर लेना होगा। अदरवाइज आपको नीट के थ्रू, वीसीआई काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा सीट्स पर, वो आप उसके थ्रू नीट के थ्रू लेंगे। लेकिन स्टेट कोटा का जो एग्जामिनेशन हो रहा है ये वाला, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके थ्रू आप पेमेंट सीट पर ही एडमिशन ले पाएंगे अदर स्टेट कैंडिडेट। लेकिन उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू दोनों ही तरह की सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीटेक डेयरी फूड फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। ओपन बात करते हैं इसमें कितनी सीट्स हैं, किस कोर्स में, और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको अभी डेट्स बता दी, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस बता दी, और कौन कौन एलिजिबल है किस सीट के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया। ओपन सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उसकी कितनी सीट्स हैं वो अपन देखते हैं। तो इन प्रोस्पेक्टस में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, बीबीएससी एंड एच में टोटल जो है उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए नंबर ऑफ सीट 65 है, एंड पेमेंट सीट्स की जो नंबर है 24 सीट्स है, ठीक है। 24 में भी जो है कितनी सीटें अदर स्टेट के लिए, कितनी सीटें उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए, वो भी यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन अलग से दे रखा है, वेबसाइट पर आपको आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आप कंप्लीट कैटेगरी वाइज सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, किस कोर्स में कितना सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कोर्स वाइज भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर अपन बात करें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए पेमेंट सीट की, मैं जो आपको बता रहा था, ठीक है, तो अदर स्टेट की पेमेंट सीट है 12, टोटल टोटल जो है 12 सीट्स हैं अदर स्टेट के लिए पेमेंट सीट्स, ठीक है। 24 में से 12 सीट जो है अदर स्टेट के लिए रिजर्व है, बाकी उत्तराखंड के कैंडिडेट भी ले सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले केवल 12 सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अपन फीस की बात कर लेते हैं, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस इसका वेबसाइट पर आया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो डेट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो कि अंडर ग्रेजुएट और एमसी प्रोग्राम है, उसकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। एग्जामिनेशन की डेट 16 जून कर दी गई है, ठीक है। पहले जो है 9 जून थी डेट, इसको बढ़ा करके 16 जून कर दिए। तो आप ये रिवाइज डेट ध्यान रखें, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो 16 जून होगा। उत्तराखंड में ये एग्जामिनेशन होता है, कुछ सेंटर्स हैं लिमिटेड सेंटर्स, वो आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे कौन कौन से सेंटर पर एग्जाम होता है, वहां पर जाके एग्जामिनेशन आपको देना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको पेमेंट शीट की फीस बता देता हूँ कि आपको कितनी फीस पे करनी होती है। तो टोटल जो है, ठीक है, ऊपर चला गया होगा, मैं आपको बताता हूँ। टोटल यहाँ पर 5 लाख रुपए एडिशनल आपको देना होता है नॉर्मल सीट के अलावा, ठीक है। तो 5 लाख रुपीज पेमेंट सीट की फीस है, प्लस जो नॉर्मल जो रूटीन फीस होती है उसको तो आपको देना ही देना पड़ता है, जमा करानी पड़ती है। तो 5 लाख रुपए एडिशनल आपको पेमेंट सीट पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपको पे करनी होती है। ये यहाँ की उत्तराखंड की जीबी पंत यूनिवर्सिटी की पेमेंट सीट की फीस है, ठीक है। तो अदर स्टेट के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कंप्लीट जो 11th एंड 12th का आने वाला है, जो कि आपका नीट का सिलेबस होता है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, और जो सिलेबस है वो 11th एंड 12th दोनों का ही रहने वाला है, ठीक है। 11th प्लस 12th क्लास आपको तैयार करना करके जाना होगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस भी नीचे प्रोस्पेक्टस में दे रखा है, बायोलॉजी में ये टॉपिक्स आएंगे, केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स आएंगे, फिजिक्स में ये टॉपिक्स आएंगे, ये आपको इस तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस जो है नीचे आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। बायोलॉजी का भी यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, बॉटनी जूलॉजी का, और एज वेल एज केमिस्ट्री का यहाँ पर आपको सिलेबस दे रखा है नीचे। तो ये कंप्लीट प्रोस्पेक्टस आप अच्छे से पढ़ेंगे, और उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट्स तो भरिए, साथ ही अगर आप पेमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है वैसे, ले सकते हैं, ठीक है। अगर लेना चाहते हैं तो आप इसमें जरूर से अप्लाई करते हैं। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। नेक्स्ट अपडेट अगर बात करें वो आया है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का ये नोटिफिकेशन हालांकि काफ़ी पहले
जो है वेबसाइट पर आ गया था, लेकिन मैं अपने पिछले वीडियो जिसमें मैंने स्टेट वाइज एग्जामिनेशन बताया था उसमें मध्य प्रदेश और बिहार का बताना भूल गया था, तो मैं इसमें कवर करता हूँ इसी वीडियो में। तो मध्य प्रदेश के लिए बच्चों पहले जो है जो यूनिवर्सिटी है वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट दैट इज एम पी पी वी एफ टी कंडक्ट कराती थी। एम पी पी वी एफ टी को जो है ना कैंसिल कर दिया है, ठीक है। एम पी पी वी एफ टी जो आपका एग्जामिनेशन होता था इसको कैंसिल कर दिया है, अब इसकी जगह आपका जो है नीट एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। नीट के थ्रू इस साल से एडमिशन होगा 2024 से, तो आप सभी लोग नीट 24 जो जो भी कैंडिडेट जो नीट 24 एग्जामिनेशन देंगे उसी के स्कोर पर आपका एडमिशन होगा। उसकी उसके स्कोर के बेसिस पे डायरेक्टली जो है काउंसलिंग करवाएगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके थ्रू एडमिशन आप लोग ले सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जबलपुर है, महू है, रीवा है, 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पर। और जो नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस स्कोर है, ठीक है, दैट इज नीट यूजी का जो स्कोर है उसके बेसिस पर एडमिशन होगा जबलपुर में। बात करें अगर बिहार की, तो यहाँ पर मैंने बिहार का भी नहीं बताया था, बिहार के कैंडिडेट्स का भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आए थे कि सर बिहार में कौन सा एग्जामिनेशन होता है। तो बिहार में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता, नीट के बेसिस पर ही एडमिशन होता है। डायरेक्टली जो है नीट के बेसिस पर बीसीई सीईबी की जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। ये काउंसलिंग कराएगा, काउंसलिंग के टाइम पे नोटिफिकेशन जारी होगा एडमिशन का, उस टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है बिहार में भी, ठीक है। बस आपको जो है इसमें काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो वो काउंसलिंग जो है नीट के रिजल्ट आने के बाद में स्टार्ट होती है इसकी। तो ये कंप्लीट अपडेट देने थे मेरे को। आई होप अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे जरूर से लाइक करना, ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंच सके। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो, चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए, तो आप अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।